हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्टैनली सैमुअल। आज हम लोग बात करेंगे मैनवर्स की, खास तौर पर बल्कि मैनवर्स की, जैसे कि FIM, कंपोस्ट वगैरह की। कंसेंट्रेटेड मैनवर्स की बात अगले बार बात करेंगे, अभी पहले हम बात करेंगे बल्कि मैनवर्स की। तो बल्कि मैन्यूअर्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं पहले देख लेते हैं कि ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट एक्चुअली सप्लाई करते हैं। इस बल्कि मैन्यूअर का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमको इसको डालना पड़ेगा, लेकिन न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में कम जाएंगे, लेकिन काफ़ी मेजर माइक्रो और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर की जब बात करते हैं तो फर्टिलाइजर में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है, ठीक है। दूसरे बात करें एडवांटेज क्या है, स्ट्रक्चर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इम्प्रूव करता है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी इंक्रीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और काफ़ी सारे नेमेटोड और फंगाई को कुछ हद तक कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बात करते हैं बल्कि मैन्यूअर्स में हम फार्म यार्ड मैन्यूअर की। फार्म यार्ड मैन्यूअर का आपका क्या है, नॉर्मली आप लोग गाँव में देखते होंगे फार्म यार्ड मैन्यूअर, मिक्सचर ऑफ डंग एंड यूरिन ऑफ फार्म एनिमल। इसका अगर कंटेंट की बात करें तो 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फॉस्फोरस, P2O5 और 0.5% K2O, ठीक है। यूरिन जो काउ यूरिन वगैरह में आपका कंटेंट होगा 1% नाइट्रोजन और 1.35% K2O रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे चीज़ें डालें जिससे हमारा जो यूरिया का वोलेटाइजेशन, एमोनिया वोलेटाइजेशन और ये सब जो लॉसेस होते हैं उसको कैसे कम करते हैं। तो जिप्सम रॉक फॉस्फेट वगैरह का यूज़ करते हैं, चाहे एनरिच करने के लिए हो चाहे वोलेटाइजेशन लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हो, ठीक है। रॉक फॉस्फेट का यूज़ किस लिए करते हैं, रिड्यूस करते हैं लॉस को किसके, फॉस्फोरस को, ठीक है। जबकि जिप्सम वगैरह को इसलिए डालते हैं हम लोग कि वो वोलेटाइजेशन को कम कर सके, ठीक है। और कैल्शियम और सल्फेट भी एडिशन में आपका उसमें आपके मैनुअल्स में डलता जाता है, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ कंपोजिशन किस पे चीज़ों पे डिपेंड करता है, एज, कंडीशन ऑफ एनिमल, काय किस टाइप का एनिमल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फीड हम दे रहे हैं, खाने के लिए क्या दे रहे हैं जानवर को, ठीक है। कौन सा लेटर यूज़ हो रहा है, कलेक्शन कैसे कर रहे हैं, कौन से सिस्टम से कर रहे हैं, जो दो सिस्टम होता है, बायर सिस्टम और ड्रायर सिस्टम, स्टोरेज ऑफ मैन्योर किस टाइप का है, पिट मेथड है, हीप मेथड है या कवर्ड पिट मेथड है, ठीक है। इम्प्रूव मेथड में बात करें तो CN आचार्य ने जो अपना आपका जो बैंगलोर मेथड दिया था, इम्प्रूव मेथड FIM में भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसमें वो एनारोबिक मेथड हो जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा लेकिन आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें प्लास्टरिंग कर देंगे, आप एनारोबिक डिकम्पोजिशन पे चले जाएंगे। तो ये एक इम्प्रूव्ड मेथड FIM में भी यूज़ करते हैं, हम इसके बाद बैंगलोर मेथड में करेंगे, इसको अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। लॉस आपका कैसे होता है, एमोनियम कार्बोनेट के फॉर्म में हो जाता है, अमोनिया के फॉर्म में होता है, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में हो जाता है और लीचिंग वोलेटाइजेशन से हो जाता है, ठीक है। लीचिंग और वोलेटाइजेशन से भी हो जाता है। और मैन्योर्स के में कौन कौन सा है, FIM के बाद शीप एंड गोट मैन्योर है, तो इसमें आपका नाइट्रोजन ज़्यादा रहता है, 3% नाइट्रोजन, 1% P2O5 एंड 2% K2O। पोल्ट्री मैन्योर की बात करें तो 3% नाइट्रोजन, 2.63% P2O5 और 1.4% K2O। अब बात करते हैं कंपोस्ट की। कंपोस्ट क्या है आपका, रॉटेड ऑर्गेनिक मैटर है, एनिमल प्लस प्लांट बेस्ड मटेरियल्स। इसमें आप एडिशनल चीज़ें ऐड कर देते हैं, शुगर ड्राइन, पैडी, स्ट्रॉ, वीड, है ना, ये इस कंपोस्ट में आ गया। इसका कंपोजिशन क्या है आपका, ये आपका नॉर्मल कंपोस्ट का कंपोजिशन है, ठीक है। अब अर्बन कंपोस्ट की बात करें तो उसमें आप सीवेज स्लज वगैरह ऐड हो जाता है, जो अर्बन वेस्ट है वो सारे ऐड हो जाते हैं, तो इसका जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, 1.4% नाइट्रोजन, 1% P2O5 और 1.4% K2O जनरली आपका रहता है कंपोस्ट में। मेथड ऑफ कंपोस्टिंग की बात करें, मेथड ऑफ कंपोस्टिंग अलग अलग टाइप के, इसके स्टार्ट कहाँ से हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। अलग अलग मेथड आए, एडको मेथड, एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस, इंडोर प्रोसेस, ठीक है, बैंगलोर प्रोसेस, कोयम्बतूर प्रोसेस, रेन वाटर कंपोस्ट, रूरल कंपोस्ट, अर्बन कंपोस्ट, मैकेनिकल कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, और भी कई सारे मेथड हैं, जैसे सिंथेटिक कंपोस्टिंग है, एक्सेलरेटेड कंपोस्टिंग एंड एनरिचमेंट है, ऑयल पाम वेस्ट कंपोस्टिंग है, फॉस्फो कंपोस्ट है,
फॉस्फोट रिच मैन्योर है, ठीक है, रेनफोर्स कंपोस्ट फ्रॉम शुगर कैन डैश, गन्ने से और प्रेस मड से निकालना। फिर है आपका एनरिच्ड एफआईएम, वीट कंपोस्टिंग, ये सारी चीजें भी आजकल की जाती है, अदर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग में आता है, ठीक है। ये आपका जो है आपका ये प्रॉपर्टी है कमर्शियली एक्सेप्ट करने के लिए। तो कुछ क्राइटेरिया सेट करके रखे हैं जब आपको कमर्शियली सेल करना हो कंपोस्ट को, या उसकी क्वालिटी सेट करने के लिए एक पैरामीटर्स तय किए हैं, जैसे नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, आपका सीएन रेशियो कितना होना चाहिए 20 से कम, एश परसेंट, मॉइस्चर परसेंट, फॉस्फोरस परसेंट, ये आपका दिया हुआ है। कलर आपका किस टाइप का होना चाहिए, ऑर्डर अर्दी होना चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, और रिड्यूसिंग शुगर कितना होना चाहिए, ठीक है। कंपोस्टिंग की शुरुआत किसने की थी, एल्बर्ट हावर्ड ने की थी। एल्बर्ट हावर्ड को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, है ना, मॉडर्न कंपोस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद इन्होंने इनके काम को आगे बढ़ाया था सीएन आचार्य, सुब्रमण्यम और काफ़ी सारे कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क चले अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब कंपोस्टिंग में हम आज कहाँ तक बात करेंगे, इंदौर मेथड तक, ठीक है। अब इंदौर मेथड कहाँ डेवलप हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट पैथ इंडस्ट्री इंदौर इंडिया में, ठीक है, 1924 से 1931 के बीच में। डेवलप किसने किया, सर एल्बर्ट हॉवर्ड ने, जिनको कहा जाता था मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। अब मेन चीज क्या है इसमें, आपका कंपोस्ट का जो हीप का साइज क्या होगा, 3 मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। अब जो कंपोस्ट है ये अलग अलग लेयर्स में बनेंगे, जो फर्स्ट लेयर होगा वो ऑर्गेनिक वेस्ट का होगा, ठीक है, अलग अलग लीव्स वीड्स वगैरह का, ठीक है, जो 6 to 8 इंच या 15 to 20 सेंटीमीटर तक उसको भरा जाता है। फिर जो नेक्स्ट 5 इंच है वो कैटल डंग, स्लरी और वाटर, ठीक है। तो जो थर्ड लेयर है फिर उतना ही सेम साइज ऑफ फर्स्ट क्या करेंगे, लेयर ऑफ कैटल डंग एंड वाटर फिर से डालेंगे। तब ये लेयर सीक्वेंस कब तक कंटिन्यू किया जाता है, जब तक कि 50-100 सेंटीमीटर अबाउ ग्राउंड लेवल हम रीच नहीं कर पा कर जाते, ठीक है, मतलब ग्राउंड से 50 to 100 सेंटीमीटर और ऊपर ले आते हैं, ठीक है। जो फिर टॉप लेयर जो है कवर करते हैं थिन सॉइल और मॉइस्ट से, ठीक है। ये आपका एल्बर्ट हॉवर्ड है, ठीक है। अब ये एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपका उनके तरीकों का, ठीक है, कैसे करते हैं, कितने कितने इंच का ड्राई वेस्ट, ये आपका ग्रीन वीड्स, मैनुअर्स, यूरिन अर्थ, वुड ऐश, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। फिर ये जो प्रोसेस है कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 6 to 7 days में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसको इसमें कम मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करके रखना पड़ता है 60 to 80% तक। अब मेन क्या चीज़ होता है, एरोबिक प्रोसेस है, ये एरोबिक प्रोसेस है तो इसमें टर्निंग करते हैं, इसमें लेबर रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। टर्निंग कितने बार करते हैं, 3 times करते हैं, 15 days, 15, 30 और 60 days में आफ्टर कंपोस्ट फिलिंग, ठीक है, ताकि एयर का फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाए उसमें, ठीक है। इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, मैकेनिकली भी कर सकते हैं। इसको बनने में कितना टाइम लगता है, नियरली 4 to 5 months लगते हैं, ठीक है। और इसका कंटेंट कितना रहता है, 0.8% नाइट्रोजन, 0.35% फॉस्फोरस और 1 to 1.5% K2। आपको ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि ये एरोबिक प्रोसेस रहेगा थ्रू आउट, मतलब एयर के प्रेजेंस में होगा, और एयर के प्रेजेंस में होने के बाद इसका डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, है ना। तो ये था आपका इंडोर मेथड। याद रखने वाली चीज आपकी क्या है, एरोबिक प्रोसेस है, आपका पिट साइज आपको याद रखना है कितने मंथ में प्रिपेयर हो जाता है, टर्निंग कितने बार करते हैं, कितना परसेंट आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है, किसने इसको दिया था। तो ये आपका था स्टार्टिंग का, बल्कि मैनुअर्स, मैनुअर्स के टाइप्स और कंपोस्ट, कंपोस्ट में आपका इंडोर मेथड। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बैंगलोर मेथड के लिए। थैंक यू।